भैया बहनी राम राम। विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा रहेगा तो वीडियो को हमारे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और सबसे पहले मैं डिस्की में लेवा लगा लेती हूँ। अपने देखिए थोड़ा सा मिट्टी इसमें लगाएंगे। जला लेती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसमें अदरक दे देती हूँ। आज मैं बनाऊंगी दाल की दुल्हन, जो कि उसको दाल टिक्की भी बोलते हैं गांव में और दाल फरा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए चूल्हे पर रखेंगे और डचकी और इसी डचकी में बनाएंगे दाल वाली दुल्हन। बनाने के लिए देखिए मैंने घर का दाल लिया है और अरहर का दाल है, तो अच्छे साफ पानी से अच्छे से धुलेंगे। तो आप इसमें चना मटर की दाल डाल सकते हैं। मैं अभी रहर की दाल फ्राई बनाऊंगी। दाल के मैंने दो तीन पानी अच्छे से साफ पानी से धुल लिया है। आधा हमारा हो गया है, अब डाल देती हूँ दाल। आम का छिलका देखिए अच्छे से हटा लेती हूँ। अभी इसमें देखिए बिल्कुल जाली नहीं पड़ा है, तो इसको हम बीज जो है बाहर निकालेंगे। तो जो इसमें देखिए दाल का छिलका है उसको हम देखिए जो फेन है उसको बाहर निकालेंगे। इसमें डालेंगे देखिए हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। धीमी धीमी आंच से मैं ढक्कन लगाकर पकाऊंगी। थोड़ा सा मैंने आटा लिया है, अच्छे से गूंथ लेती हूँ। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे देखिए थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैंने हींग लिया हुआ है, इसके पानी में अच्छे से भिगोएंगे। दाल में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। छोटे छोटे लोई में बना के तैयार कर लेती हूँ। बेलन से देखिए थोड़ा सा दबाते हुए इसको बेलेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अच्छे से देखिए दोनों हाथ दबाते हुए इसको सेट करेंगे। ऐसे मैं देखिए बना बना के रख लेती हूँ। जैसे देखिए होल दिखाई पड़ रहा है तो बहुत अच्छे से अंदर तक जाके पक जाएगा। इसी तरीके से मैंने सारे देखिए और दाल को टिक्की को अच्छे से सेट करेंगे। तो हल्के यहां से देखिए तीनों साइड पकड़ के थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे हल्के यहां से मैंने दबाते हुए सेट कर लिया है। ऐसे दबा दबा के एक थाली में रखते जाऊंगे। फटाफट से बना के रेडी कर लेती हूँ। देखिए एक हाथ से बस एक बार इसे दबाना है हल्के हाथ से। बस ऐसे दबाते हुए मैं थाली में रखती जाऊंगी। दाल के मैं चेक कर लेती हूँ। आप लोग ये मैं पास ही दिखाऊंगी। दाल पकना स्टार्ट हो गया है, अब इसमें डालेंगे दाल फरा। अब मैं देखिए दाल को दुल्हन को डाल देती हूँ पकने के लिए।
उबलते हुए देखिए बहुत ही अच्छे से पकेगा। देखिए मैंने टिक्की बनाया हुआ है तो दाल में इसे डाल देती हूँ। टिक्की भी मैं बनाती हूँ खाने के लिए, मेरी सासू माँ भी टिक्की बनाती हैं। जो हींग पानी मैंने देखिए भिगो के रखा है दाल में डालेंगे और आम डालेंगे। धीमी धीमी आंच से इसको पकाऊंगी। देखिए बहुत अच्छे से पका हुआ है, अब दाल को उतारेंगे नीचे। अब मैं दाल में तड़का लगाऊंगी और सारे सामग्री देखिए तैयार काट छाट के कर लेती हूँ। अदरक को मैंने बारीक के काट लेती हूँ। तड़का लगाऊंगी तो सबसे पहले देखिए चूल्हे पर रख दिया है तावा, और तवा पर डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो गया, सबसे पहले इसमें जीरा का तड़का लगाएंगे, कटा हुआ मिर्चा डालेंगे और इसमें लहसुन डालेंगे, कटा हुआ प्याज और अदरक। बहुत अच्छे से पका लिया है, अब दाल में मैं छौंका लगाऊंगी। तो मैं सारे फैमिली को फटाफट निकालेंगे ठंडा होने के लिए। आज मैंने बनाया है दाल की दुल्हन, अब हमारे यहाँ दाल टिक्की भी बोलते हैं। अच्छा लगा दोस्तों हमारे वीडियो को, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।